वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंच वेयर के प्रीमियम स्पैचुला सेट का रिव्यू। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों मेरे पास जो फ्रेंच वेयर के तीन प्रीमियम स्पैचुलास, इनको मैंने ऑनलाइन मंगाया है और डब्बे का हाल आप देख ही रहे हो क्या हाल हो चुका है। मैंने इनको जस्ट बॉक्स के अंदर से निकाला है तो कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये मेरे को मिले हैं। तो सबसे पहले मैं इनको खोल के दिखा देती हूँ कि आपको ये कैसे हैं। इसके अंदर तीन का सेट आया है और ये सिलिकॉन का है। ये देखिए, मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ, कहीं से ब्रेक होने की कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ये एकदम नॉनस्टिक है, आप इसे नॉनस्टिक बर्तन जो होते हैं उनके ऊपर यूज़ कर सकते हो, मतलब बेसिकली उन्हीं पे ही यूज़ किया जाता है। और काफ़ी अच्छा है इसका जो ब्लैक कलर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इसका ये वाला कलर मंगाया। और ये देखिए, इसमें हैंग करने के लिए भी है, आप इसे हैंग कर सकते हो कहीं भी अपनी किचन में जहाँ पर आप हैंग करना चाहो। और काफ़ी हैंडी है, मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी लंबी स्टिक है तो मुझे मूव करने में या चलाने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। एकदम बढ़िया है, आप इसको इजीली पकड़ सकते हो और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल, कि हैवी वेट नहीं है, ठीक है ये। तो ये वाला तो मेरा करछी वाला काम करने वाला है क्योंकि इसमें जाल जैसा है तो ये करछी वाला काम करेगा। दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये स्पैचुला है, ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा है। जो सामने की इसकी जो एजेस हैं काफ़ी शार्प है, मतलब ऐसा शार्प नहीं है लेकिन हाँ, डोसा वगैरह उठाने के लिए हम जो शार्प चीज़ चाहिए होती है आगे से, तो उस तरीके का शार्प है और काफ़ी अच्छा है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, देखो एकदम सिलिकॉन का है, आप इसे मूव कर सकते हो। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें ये है जो मैं कहने वाली हूँ कि जब आप कोई नॉर्मल स्पैचुला यूज़ करते हो, जैसे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल स्पैचुला भी लिया था, ये जो मार्केट में बहुत सस्ता भी मिलता है और ज़्यादातर लोग इसी को ख़रीदते हैं, काफ़ी मतलब बिकता ज़्यादातर यही है और सस्ता मिलता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि सस्ता मिलता है तो लोग इसे फटाफट से खरीद लेते हैं और ये इसका ब्रश भी आता है इसके साथ। तो मैंने भी पहले इसको लिया था लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला, इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही घटिया क्वालिटी है, आप कह सकते हो घटिया क्वालिटी है। और यहाँ से देखो ये टूट भी गया और इसका टूटने का रीज़न ये है कि जब इसे मैंने कढ़ाई के ऊपर या अपने पैन के ऊपर छोड़ा तो हीट की वजह से यहाँ से मेल्ट हो गया और निकल गया, और फिर मैंने इसको जुगाड़ करके इसके अंदर यहाँ से घुसेड़ रखा है तो काम चला रही थी, लेकिन मुझे बहुत ही घटिया लगा। अगर आप अपने किचन में यूज़ करना चाहते हो कुछ अच्छे स्पैचुला तो आप थोड़ा सा पैसा लगा के इनको तीनों को खरीद सकते हो। इन तीनों का सेट काफ़ी अच्छा है और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जैसा प्राइस का डिफरेंस है उस हिसाब से इनकी चीज़ में भी डिफरेंस है। इसकी रॉड देखो आपको यहीं तक मिलेगी, थोड़ी इतनी लंबी और होती है बस, लेकिन जो इसके अंदर जो स्टिक डली हुई है वो बिल्कुल अंदर तक डली है और निकलने का और टूटने का मतलब ही नहीं बनता कि यहाँ से टूट जाएगी हीट से या यहाँ से टूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर अगर आप पलटने पे प्रेशर डालते हो तो यहाँ से टूटने का डर रहता है, जो मेरे साथ हुआ जो टूट गया, लेकिन जब आप कुछ इससे बनाओगे और प्रेशर डलेगा यहाँ पर या कुछ पलटना होगा ऐसी चीज़ जिसे आप लगातार चला रहे हो लाइक खोआ वगैरह चला रहे हो, तो इसमें टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा और आराम से ये मूव भी कर रहा है। मतलब हाथ में काफ़ी हैंडी है तो आप इसे इजीली चला सकती हो। तीसरी चीज़ है इसका ये वाला, इससे मतलब आप कोई सब्ज़ी या डोसा का जो मिक्सर होता है आलू वाला उसको कर सकते हो, या कुछ भी चीज़ आप जो करना चाहती हो आप वो कर सकती हो किचन में। तो इतना भी महंगा नहीं है, ठीक है, इसका जो प्राइस है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ, यहाँ पे 260 का इसका प्राइस है और 260 में अगर आपको तीन स्पैचुला मिल रहे हैं अच्छी क्वालिटी के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये वाला जब आप मार्केट में खरीदते हो तो आपको 90-70 प्राइस पे मिलता है और इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है, जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो जाएगा क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ से ब्रेक हो जाता है और इसका काम तमाम हो जाता है। तो 260 में मतलब आप 250 रुपये में, 260 है अगर 250 भी मानो तो 250 रुपये में आपको बड़ा ही अच्छा सेट मिलेगा इन तीन का, जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, सामने से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जब आप इसे नॉनस्टिक बर्तन पे यूज़ करोगे तो आपका नॉनस्टिक बर्तन भी एकदम सेफ़ रहेगा और स्पैचुला तो है ही अच्छे की मज़ा आ जाएगा आपको इन सब काम करने में। तो सबसे अच्छी बात तो इसमें यह है कि आप इसे नॉनस्टिक बर्तन पे यूज़ करोगे तो स्क्रैच ना इस पर पड़ेंगे ना ही आप नॉनस्टिक बर्तन पर पड़ेंगे, तो एकदम स्क्रैच रेसिस्टेंस है। दूसरी चीज़ इसके अंदर है, स्टेन फ्री है और डिशवॉशर सेफ है ये एकदम।
ये फूड ग्रेड सिलिकॉन है, BPA फ्री है, डिशवॉशर सेफ है, FDA अप्रूव्ड है, और इसकी सबसे अच्छी खास बात कि ये 230 डिग्री तक गर्मी को झेल सकता है। मतलब अगर आप कुछ काम कर रहे हो एकदम गर्म गर्म जैसे बर्तन में, तो आराम से ये झेल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, टूटने वाली। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल स्पैचुला मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक तो उनका सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है दोस्तों, इनका जो हैंडल होता है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा आता है। जब आप कढ़ाई में या किसी पैन के पास आप काम कर रही होती है तो हाथ जलने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इसका जो इसके जो हैंडल होता है वो शायद बस इतना सा होता है। तो आपका हैंड जब उस पर आता है तो तवे पे या कढ़ाई पे ही रहता है। इनके साथ आपको वो दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि जो आपका हाथ है वो काफ़ी दूर रहेगा और आपको जलने का या लगने का कोई दिक्कत नहीं होगी। ना ये इस पर स्क्रैच आएंगे और ना ही आपके नॉनस्टिक बर्तनों पे जो काफ़ी महंगे आते हैं, काफ़ी कॉस्टली आते हैं, उन पर स्क्रैच आता है तो काफ़ी बुरा लगता है, तो उन पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सिलिकॉन के बने हुए हैं, एकदम बढ़िया क्वालिटी है। काफ़ी अच्छा लगा, दिखने में काफ़ी अच्छा है। अगर आपके किचन में कोई गेस्ट आता है तो मतलब वो पूछ लिया कि वाओ ये कहाँ से खरीदे, काफ़ी अच्छा है दिखने में। मुझे ऐसा पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे हैं ये। और सबसे अच्छी बात है नॉनस्टिक बर्तन पे यूज़ कर सकते हो, सिलिकॉन स्पैचुला है और सबसे कम रेट में आपको 3 का सेट मिल जाता है। और ये था दोस्तों मेरा फ्रेंच वेयर के नॉनस्टिक स्पैचुला का रिव्यू। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं बता देती हूँ आपको कि मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको इजीली ख़रीद सकते हो।